इससे पहले सोमवार को आकाश विजयवर्गीय, जी हां आकाश विजयवर्गीय ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को खुला चैलेंज दिया था कि वो पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच करा ले और अगर उस जांच में वो दोषी साबित होते हैं तो राजनीति छोड़ देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने मंत्री सज्जन वर्मा पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। नगर निगम उस मकान को कल मंगलवार को तोड़ने वाला है जिसके पीछे मेरा और नगर निगम के अधिकारी का विवाद हुआ था। मित्रों, कई बार निवेदन करने पर भी मुझे विधायक होने के नाते भी नगर निगम द्वारा ऐसी कोई जानकारी आधिकारिक रूप से नहीं मिली है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आखिर ये जानकारी मांगता क्यों। मित्रों, 15 मार्च की बात है, मैं विधानसभा में नगरीय निकाय का सदस्य होने के नाते एक बैठक में उपस्थित था जब मेरे पास फ़ोन आया कि सज्जन सिंह वर्मा जी, उनके भाइयों ने एक 3 मंजिला मकान की फर्जी रजिस्ट्री बना ली है और वो नगर निगम के साथ साठगांठ करके, कमिश्नर आशीष सिंह के साथ साठगांठ करके उस मकान को तुड़वा रहे हैं। मैंने क्योंकि मैं भोपाल में था, फ़ोन पे काफ़ी प्रयास किया कि उसे रोका जाए, मगर ना कमिश्नर ने ना किसी अन्य अधिकारी ने एक भी सुनी और वो मकान धराशायी कर दिया। 8 परिवार उसमें रहते थे, उन्हें बेघर कर दिया। उसके बाद कई बार ऐसे मामले सामने आए जिसमें सज्जन वर्मा जी के किसी न किसी रिश्तेदार ने इस प्रकार से कुछ रजिस्ट्री हासिल की और वो मकान को धराशायी कराया। 21-22 जून को मन्नू वर्मा करके कोई उनके रिश्तेदार है, उन्होंने एक और मकान तोड़वाया जिसके पुख्ता सबूत है। मुझे यह बात जानकर खुशी हुई कि जब मैं जेल में था तो सज्जन वर्मा जी ने कहा कि वो सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार है। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें चैलेंज करता हूँ कि यदि उनमें दम हो तो मैंने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पास सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक आवेदन भेजा है। यदि सज्जन सिंह वर्मा जी में दम है तो वो इस मामले की सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को रिकमेंड कर दें और अगर वो बेगुनाह साबित हो जाते हैं तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा और जैसा वो बोलेंगे, जिस प्रोफेशन में वो बोलेंगे उसमें काम करूँगा।